उपराष्ट्रपति की गैबोन और सेनेगल की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस यात्रा में उनके प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार में मंत्री भारती प्रवीण पवार जी भी साथ रहीं। आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। मैम, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये गैबोन और सेनेगल की यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहली एक उच्च स्तर की ये यात्रा रही है। जी ज़रूर, पहली बार एक उच्च स्तरीय यात्रा के माध्यम से गैबोन और सेनेगल में एक इंडियन डेलीगेशन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी और हमारे एमपीस और ऑफिसर्स के साथ जो पहुँचे, और वहाँ पे गैबोन के प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर वहाँ की नेशनल असेंबली में विजिट हुई, मीटिंग हुई सीनेट में, और मुझे लगता है कि ये मीटिंग के माध्यम से दोनों देशों के जो एक बॉन्डिंग से बायलैटरल ट्रेड से उसको आगे और बढ़ावा देने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए चर्चा हुई, और आगे आने वाले दिनों में दोनों कंट्रीज़ को इकोनॉमिक बूस्ट मिले, हमारे ट्रेड बढ़े, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, चाहे वो रेलवे सेक्टर में है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, एजुकेशन, मुझे लगता है ये बातों में दोनों कंट्रीज़ में बहुत अच्छी चर्चा भी हुई। वहाँ पे हमारे जो कंपनीज़ है, जो बिजनेसमैन है, उनसे भी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर ने बात की, मीटिंग की, हमारी इंडियन हमारी वहाँ के जो हमारे भारतीय समुदाय जो रहते हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई। मुझे लगता है ये पहली बार इस तरीके की एक अच्छी मीटिंग हुई कि जो उन्होंने लगातार इसकी सराहना की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत आगे है, एक स्ट्रॉन्ग भारत का दर्शन हमने वहाँ की भूमि पर किया, और बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि भारत की छवि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत उभर रही है, और ख़ास करके उन दोनों राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद भी दिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को पैंडेमिक में मदद भी की है गैबोन और सेनेगल में खास करके जो संकट काल था उस समय वहाँ पे वैक्सीन, इंडियन मेड वैक्सीन भी पहुँचाई गई, कुछ इसेंशियल मेडिसिंस भी दिए गए, इक्विपमेंट भी दिए गए। मुझे लगता है कि इस बातों को खास करके उन्होंने धन्यवाद के रूप में दोहराया भी, और कुछ MOU साइन हुए गैबोन में, दो साइन हुए, जो कि हमारा एक जॉइंट कमीशन बनेगा जो रिलेशन को हमारे दोनों कंट्री के बायलैटरल रिलेशन को कोऑपरेशन में फ़ायदा होगा। दूसरा हुआ वो डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए हुआ, गैबोन में दो साइन हुए और सेनेगल में तीन MOU। सेनेगल के तीन MOU के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, दो गैबोन के अलावा जो सेनेगल में तीन MOU साइन हुए। राइट, सेनेगल में तीन साइन हुए क्योंकि हमारा जो कल्चर है तो दोनों कंट्रीज़ के कल्चर को और बढ़ावा मिले कि हमारे म्यूज़िक, हमारे फोक डांस, हमारे वहाँ के संगीत, तो मुझे लगता है ये दोनों और अच्छे से बॉन्ड हो, इसीलिए एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का भी MOU साइन हुआ। एक यूथ अफेयर्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग इवेंट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, तो वो भी एक MOU साइन हुआ। वीज़ा एग्जम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, जो कि एक ईज़ ऑफ डूइंग में हमें मदद करेगा। सो हमारा वर्क कल्चर, हमारा वर्क टुगेदर जो दोनों कंट्रीज़ को एक अच्छा बॉन्डिंग देगा, हमारे ट्रेड, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा टूरिज़्म माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जिस तरीके से बढ़ रहा है, सो ये दोनों कंट्रीज़ में वही ट्रेड हमारा बढ़े इसके लिए चर्चा भी हुई, और बहुत ही एक अच्छे चर्चे के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग कल्चर, और कुछ यादें महात्मा गांधी जी से भी जुड़ी हुई है, खास करके साउथ अफ्रीका से। यही मैम मैं बिल्कुल आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि दोनों देशों के जो संबंध हैं ऐतिहासिक रहे हैं, और दोनों देशों की जो संघर्ष यात्रा है आज़ादी के लिए, वेस्ट अफ्रीका में गैबोन और सेनेगल में फ्रेंच से हो या भारत में ब्रिटिशर्स से हो, दोनों की संघर्ष यात्रा कमोबेश एक सी रही है। तो ऐसे में एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे से समझने के लिए, और एक दूसरे से मजबूत रिश्तों के लिए क्या किया जा सकता है, ये वहाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा कि चर्चों में ये भी बात दोहराई गई कि
दोनों कंट्रीज़ के एक संघर्ष का इतिहास रहा है कि जो महात्मा गांधी जी का एक साउथ अफ्रीका से आज भी उन लोगों से जुड़ाव है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो देखने को मिला वहाँ पे भी, वहाँ के सेनेगल के रेनिसंस में वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है जो जहाँ पे हमने पुष्प अर्पित किए। मुझे लगता है ये बॉन्डिंग है और कल्चर है हमारी महिलाओं की, खास करके इंडियन महिलाओं की। साड़ी के बारे में विशेष वहाँ पे जिक्र हुआ कि वहाँ की महिलाओं को भी साड़ी पसंद है, वो वहाँ पे पहनती भी है। मुझे लगता है ये कल्चरल एक बॉन्डिंग बढ़ रहा है। और सिनेमा का भी जिक्र हुआ कि इंडियन मूवीज़ उन्हें अच्छे लगते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ उन्हें अच्छे लगते हैं, वो प्रेसिडेंट साहब ने भी ये दोहराई बात। तो मुझे लगता है ये सारी बातें एक एक दूसरे कंट्री को और अच्छे से जोड़ती है कि हम एक दूसरे को, जैसे आपने कहा कि फ्रीडम के बाद हम दोनों कंट्रीज एक बढ़ते हुए एक डेवलपमेंट का सोच विचार करते हुए वो हमें सराहना करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक स्ट्रांग इंडिया, एक यंग इंडिया के माध्यम से एक अच्छी छवि भारत की बनी है जिसका हमें दर्शन वहाँ पे हुआ। और दोनों कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल वेज में है, चाहे वो इकोनॉमिकल वेज में है, चाहे वो साइंटिफिक वेज में है, चाहे वो टेक्निकल वेज में है, चाहे वो कल्चरल वेज में है, ये एक दूसरे का सहयोग बना रहे, तो वो आज भी वही फूड कल्चर मेंटेन भी कर रहे हैं। और काफ़ी सारे बातें उन्होंने शेयर की कि वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है और इंडिया से यहाँ के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है ये दोनों कंट्रीज़ बहुत अच्छे, सेनेगल हो, गैबन हो, हमारे कल्चरल और हमारे भारतीय एक डेवलपमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे आने वाले दिनों में, और ख़ास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर उनको बहुत विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो काम किया है तो वो डेवलपमेंट वो वहाँ यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंडियन कंपनीज़ को उन्होंने बुलाया है कि हमारे यहाँ भी आए और काम करें। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का कहना है कि जो भारत और भारत की जो यात्रा है उपराष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, जो प्रतिनिधिमंडल गैबोन और सेनेगल गया, उस प्रतिनिधिमंडल की वजह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि वहाँ पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की कोशिश की गई। साथ ही वहाँ बसे भारतीयों को भी, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी को भी ये भरोसा दिलाया गया कि दोनों देश आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन प्रशांत कर्माकर के साथ नव विक्रम सिंह, सनसद टीवी,